अभी जितेंद्र कुमार मेरे छोटे भाई जी योग के प्रति काफ़ी कंसस, यानी कि नेतृत्व में बहुत जगह योग चलता है। इनके यहाँ जब हम आए, आज अभी मिलने के लिए छुट्टी का दिन था 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, जानते हैं 78 स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, उसी में हम भी आज क्लास मेरा कोचिंग संस्थान का बंद है। इसके साथ साथ मेरे मदन मुरारी जी जो आपको ये देख रहे हैं, इनका पिक्चर है, ये भी है मेरे साथ है, और जी चंद्र जी थेसिस लिख रहे हैं, ये अपना PhD कर रहे हैं। इनका रिसर्च पेपर को मैंने पढ़ा, और दिखवाए थे, इतना हम प्रभावित हुए, तो मुझे इच्छा हुई कि जितेंद्र जी गीता के कुछ अध्याय के विषय में बोले कि सर हमको इतना कंठस्थ है, तो मुझे तो गीता कंठस्थ नहीं स्पष्ट भी, क्योंकि GK GS पढ़ाता हूँ, इसके प्रति इतना लगाव नहीं, लेकिन इनसे सुनते हैं गीता के कोई अध्याय। जितेंद्र बाबू, आप अपनी अति से गीता के कोई अध्याय के विषय में हमें बतावें, और लड़कों से भी कहें कि मन एकाग्रचित रहे, शांत रहे, ताकि कोई भी परीक्षा में उसका परीक्षा फल सही से निकले। जितेंद्र बाबू, गीता का अध्याय का तो शुरू करते हुए अपनी बात रखें जी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय का हम कुछ श्लोक आप लोग को सुनाएंगे, और ऐसा कहा जाता है कि गीता पढ़ने की शुरुआत जो है 12वां अध्याय से करना चाहिए, क्योंकि यह भक्ति योग प्रारंभ करती है। तो आज हम कुछ श्लोक आपको सुनाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवद् गीता, अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां परिउपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो एमा नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता, ते मे युक्तमामताः, ये त्वयक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर उपासते। हरिओम तत्सत्। वाह, धन्यवाद। कि मदन मोहन मुरारी जी है, इनसे भी कुछ सुन लेते हैं। वो सैया पर जब सोए हुए थे विश्व पितामह, तो वो जो प्रसंग कभी कभी हमको सुनाते हैं, उन प्रसंग पर चर्चा करके अपनी बात को रखें। मदन मुरारी जी, महाभारत का एक प्रसंग है कि द्वापर के महान योद्धा भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों की सैया पर सोए करा रहे थे। उस समय उनसे मिलने के लिए कौरव पांडव, यहाँ तक कि खुद ब खुद कोटि कोटि के ब्रह्मांड के महानायक योगेश्वर, योगवेता, ब्रह्मवेता यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, और जाते हैं उन्होंने प्रणाम किया कि प्रणाम दासी। भीष्म पितामह कुछ बोले नहीं। वासुदेव ने कहा कि क्यों दासी मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? भीष्म पितामह ने कहा कि हे वासुदेव, आपने तो कहा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर आप चक्र सुदर्शन लेकर हम ही पर दौड़ पड़े थे। वासुदेव ने कहा कि हे ताश्री, मैं आपकी महानता को प्रणाम कर रहा था, ताश्री मैं आपकी महानता को प्रणाम कर रहा। भीष्म पितामह ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने तो सुना था कि गोकुल के घरों में माखन चुराते चुराते आप अपना नटखटपन छोड़ दिए थे, लेकिन आपका नटखटपन अभी भी बना हुआ। मेरी तो इच्छा है कि गोकुल के घरों में जो माखन चुराया करते थे, उस माखन में से एक उंगली माखन हमें भी चटा दो। वासुदेव, हमें भी चटा दो, ताकि हम मेरा जीवन सफल हो जाए। और आज जितेंद्र जी के आवास पर मदन मोहन सिंह की यही इच्छा है कि हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे माधव, हे पुरुषोत्तम, जो गोकुल के घरों में माखन चुराया करते थे, उस माखन में से एक उंगली माखन हमारे विजय सर को, जितेंद्र सर को और हमें भी चटा दीजिए, ताकि हम लोगों का भी जीवन जीने लायक हो जाए, जीवंत हो जाए, सरल हो जाए और सफल हो जाए। वासुदेव सफल। कितना बढ़िया दोनों आदमी, जितेंद्र जी बहुत बड़े योग का जानकार, बहुत अच्छे आदमी हैं योग के प्रति। देखिए, इसलिए आपको इन लोगों से भेंट कराता हूँ अपने चैनल पर, कि जीवन जीने का क्या तरीका है, जीवन किस ढंग से जिया जाता है। देखिए, कितना कम उम्र में गीता का ज्ञान, ज़्यादा उम्र की नहीं है मेरे, हम तक खैर
ज़्यादा उम्र है लेकिन बहुत कम उम्र के हैं मेरे निकट, लेकिन बड़ा मैच्योर, अपने शब्द को किस ढंग से रखे और उच्चारण कितना बढ़िया, इनकी बातों को प्रेरणा लेनी चाहिए आप लोग को और मन को विजित नहीं करना चाहिए। मदन मुरारी जी किस ढंग से उन्होंने अपनी बातों को रखे प्रेरणा लेकर, दोनों क्या है आपको प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि जब लड़का परीक्षा देता है, परीक्षा और सफल होता है, विचलित होता है, तो मन में गीता ही एक सहारा होता है, भगवान कृष्ण ही सहारा लेते हैं, असहारा बनकर आप जीवन को आगे बढ़ाइए। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।